मैं अर्ज कर रहा था कि रब तबारक व ताला ने बड़े बड़े अजीम रहनुमा और बड़े बड़े अजीम बादशाह और उनमें से एक ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, और वो बादशाह कौन है? वो बादशाह जिनका नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी लि अहद मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, मेरे रब मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो किसी को नसीब ना हुई हो। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हुकूमत की, रब्बे कदीर ने आपको हुकूमत अता फरमाई और ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, हवा पर भी आपकी हुकूमत थी, जमादात पर भी आपकी हुकूमत थी, इंसानियत पर भी आपकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी, पूरी जमीन पर आपकी हुकूमत थी, समुंदरों पर आपकी हुकूमत थी और समुंदर की मछलियों पर आपकी हुकूमत थी। जहां जहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे उस शेख की आवाज को भी सुनते थे और उनकी बोलियों को भी जानते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी बोलियां जानते थे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म देकर एक तख्त बनवाया और वो ऐसा तख्त था, कोई छोटा मोटा तख्त नहीं था, 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा, इतना बड़ा तख्त, उसके बीचों बीच सोने और रेशम से बनी हुई एक कुर्सी हुआ करती थी जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हुआ करते थे और उसके दाएं बाएं 7 लाख कुर्सियां मौजूद होती उस तख्त पर, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वुजरा सुफरा उस वक्त के उलमा और किनारों पर जिन्नात खड़े रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हवा को हुक्म देते कि ए हवा मेरे तख्त को उठाने के बाद में फला मुल्क में जाना है, फला दौरे पर जाना है, फला जगह पर जाना है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त को हुक्म देते, उस तख्त को हवा उड़ाए फिरती, जहां भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जाना चाहते थे हवा आपके तख्त को उड़ा करके ले जाती थी। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा ये तख्त ऐसी जगह से गुजर रहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा मेरे तख्त को नीचे उतार दे, हवा ने तख्त को नीचे उतारा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि तख्त से उतर जाए, जिन्नात भी उतर गए, इंसान भी उतर गए, उलमा भी उतर गए, वुज़रा भी उतर गए, सुफरा भी उतर गए, खास लोग भी उतर गए, सब के सब नीचे उतरे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हमें ये जंगल पैदल तय करना है, हमें तख्त पे बैठ के तय नहीं करना, तकरीबन 8 किलोमीटर का जंगल पैदल चल के तय करना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनने के बाद में जिन्नात ने लब्बैक कहा, इंसानों ने लब्बैक कहा, वुज़रा ने लब्बैक कहा, उलमा ने लब्बैक कहा, सुफरा ने लब्बैक कहा, सबने कहा ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ए अल्लाह के मुकद्दस रसूल, आपका हुक्म है तो हम 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। हजरत, जब मैं आपको इसकी तारीख बताऊंगा तो इंशाअल्लाह आप मचलने लगेंगे, आप मचलेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके साथ में 7 लाख लोगों का काफिला, 7 लाख लोग आपके साथ पैदल चल रहे हैं। 8 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से कहा कि अब तख्त पर बैठे,
हमें अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। हजरत जब सुलेमान अली सलाम ने सबको तख्त पर सवार होने का हुक्म दिया, उनमें से एक बुजुर्ग शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मुकद्दस रसूल, हमें ये तो बताओ कि आज से पहले हमने आपके साथ में सफर किया है मशरिक का, अब से पहले आपके साथ में हमने आपके साथ में सफर किया है मगरिब का, शुमाल और जुनूब का, जहां भी आप जाते हैं तख्त पर बिठाते हैं, हवा को हुक्म देते हैं, हवा आपके तख्त को उड़ाने के बाद में फला मकाम पर पहुंचा देती है, फला मकाम पर पहुंचा देती है। आप अपना मकसद हल करने के बाद में, कहीं मदद करनी है तो मदद करने के बाद में, किसी की बात सुननी है तो बात सुनने के बाद में, जिनके जो मसाइल होते हैं उनके मसाइल सुनने के बाद में, आप वापस तख्त पर बैठने के बाद में अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं। आखिर ये जंगल कैसा है, ये जगह कैसी है, ये जमीन का टुकड़ा कैसा है कि आपने हमें और आप भी पैदल चल के यहाँ से सफर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहि सलाम मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने के बाद में जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसा जंगल है, तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी जमीन है, तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी वीरानी है। आज ये जंगल है, कल को यहाँ पर मंगल होगा, आज ये वीरानी है, कल को यहाँ पर आबादी होगी। ऐ सुलेमान अली सलाम, हमें बताओ तो सही, कल को यहाँ मंगल कैसे होगा, यहाँ तो इंसान का नामो निशान नहीं, यहाँ तो किसी का नामो निशान नहीं, यहाँ तो वीरानी ही वीरानी है। सुलेमान अली सलाम ने जवाब दिया था, आज से ये देखिए यहाँ पर अल्लाह के नबी का इल्म गैब भी साबित होगा। आज से मेरी वफात के बाद 1700 साल के बाद में एक अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद जब दुनिया में आएगा, 53 साल की जिंदगी मक्के में गुजारने के बाद में जब वो हिजरत करेगा, तो ये वो जगह है जो पहले यसरब कहलाएगी, लेकिन उस नबी के आने के बाद में ये जमीन का खत्ता मदीना कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना कासिम रजा साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहि सलाम ने तमाम लोगों को बताया कि जिस जगह के अदब और एहतराम में हमने अपने तख्त को छोड़ा, हमने अपनी कुर्सी को छोड़ा और इसको पैदल तय किया है, ये जो टुकड़ा है जमीन का, आज तुम वीरानी देख रहे हो, आज तुम जंगल देख रहे हो, कल को यही वो जगह होगी जहां पर मदीना तैयबा वो मुकद्दस शहर आबाद होगा कि जो सारी दुनिया का मरकज बनेगा। हर इंसान यहां आने के लिए तरसेगा, हर इंसान यहां आने के लिए तड़पेगा, और इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते यहां आने के लिए तरसेंगे। और हद तो ये है कि जो फरिश्ता एक बार इस जमीन पर जो आखिरी नबी का रोजा बनाया जाएगा उसकी जियारत के लिए एक बार आ जाएगा, उसको दोबारा कभी मौका नहीं दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बनेगा, ये इस्लामी दुनिया का मरकज बनेगा मदीना तैयबा। मुझे बताइए कि सुलेमान अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं, 1700 साल पहले इस बात को उन लोगों को बता रहे हैं जो आपके साथ मौजूद हैं कि मेरी वफात के 1700 साल बाद मक्कतुल मुकर्रमा में एक नबी पैदा होगा, यहाँ पर मदीना शहर बसाया जाएगा। मुझे बताइए कि ये सुलेमान अलैहि सलाम का इल्मे गैब है कि नहीं, ये सुलेमान अली सलाम का इल्मे गैब है कि नहीं। अभी जो शख्स पैदा ही नहीं हुआ, जिस जात का वजूद ही नहीं है, सुलेमान अली सलाम ने 1700 साल पहले बता दिया कि आखिरी पैगंबर आएगा और उसकी आरामगाह इसी जंगल में होगी। हजरत सुलेमान अली सलाम अल्लाह के नबी जरूर हैं, लेकिन वो मेरे नबी के सदके में नबी बनाए गए। बेशक जब सुलेमान अलैहि सलाम के इल्मे गैब और शान और अजमत का यह आलम है, तो मेरे नबी की शान और रिफात का क्या आलम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के पास
एक अंगूठी थी और उस अंगूठी के अंदर जो नगीना था, जो नग था, वो रब तबारक व ताला की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया गया। अब उस नग का कमाल ये था, जब आपने उस नग को अंगूठी में जड़वाने के बाद अपनी उंगली में पहना तो आप देखिए उसका कमाल देखिए कि जब आप उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेते तो आपका दरबार लग जाता था। चारों तरफ से दरिंदे चरिंदे इंसान हैवाना जिन्ना सब हाजिर हो जाता। ये कमाल की बात है, ये कितनी पावर की बात है, ये ताकत की बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस अंगूठी को पहन लेते तो आपका दरबार लग जाता। और कमाल की बात यह भी है कि जब आप अंगूठी उतार देते तो वो दरबार बर्खास्त हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना किसी ऐलान की जरूरत, ना किसी गली में मुनादी की जरूरत कि सुलेमान अली सलाम के दरबार में हाजिर हो जाओ, आपको बुलाया है, आपको बुलाया है। आज हमें एक दूसरे को दावत देने की जरूरत होती है, फला जगह पर जलसा है, फला जगह पर महफिल है, फला जगह पर कुरान खानी है, फला जगह पर बड़े जलसे का इनेकाद हुआ है, चलो वहाँ पर चलो, अल्लाह का जिक्र सुनो, नबी का जिक्र सुनो। लेकिन सुलेमान अली सलाम की अंगूठी का ये कमाल था कि आप जब उस अंगूठी को पहनते दरबार लग जाता, उस अंगूठी को निकालते तो दरबार बर्खास्त हो जाता। लेकिन हजरत मोहतरम गौर करने की बात यह है, उस अंगूठी के अंदर ये कमाल आया कहां से, उस अंगूठी के अंदर ये शान आई कहां से, उस अंगूठी के अंदर ये ताकत आई कहां से कि ये तो रिमोट से ज्यादा काम कर रही है। अल्लाह अकबर। जब आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख सुनेंगे तो पता चलेगा मेरे आका ने सलातो वसलाम से हजरत बिन सामित ने इस हदीस को रिवायत किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में जो अंगूठी थी जिसके पहनने से दरबार लग जाता था, जिसके निकालने से दरबार बर्खास्त हो जाता था, उस अंगूठी का कमाल नहीं था बल्कि उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल का हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना कासिम रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत देखिए, अभी हमारे सरकार की जात दुनिया में तशरीफ ना लाई, लेकिन उनके नाम की ताकत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में कि आप पहनते तो दरबार लग जाता और निकालते तो दरबार बर्खास्त हो जाता था। ये तो नामे मोहम्मद का कमाल है, जाते मोहम्मद का और शाने मोहम्मद का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मौलाए करीम हम सबको अपने आका से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।